ओके ओके म्यूजिक इज गुड फायर ऑफ थ्री स्टार सबसे अच्छा कौन सा सीन था हां सबसे अच्छा सीन वो जीत गया इट वाज वेरी नाइस इतना खास नहीं बट कॉन्सेप्ट और अच्छा कर सकते थे आई थिंक बोथ न्यू कॉमर्स हैव डन रिलेटिवली वेल आई थिंक बोथ ऑफ देम डन रिलेटिवली वेल म्यूजिक ठीक है स्क्रिप्ट बहुत वीक है बट आई थिंक इन सम प्लेसेस दो ढाई एक बार देखी जा सकती है थैंक यू हाँ वो तो अच्छे थे वो लोग तो सब अच्छे थे कौन वो ही अच्छे थे Jackie is good in the movie, but movie is rubbish. Totally rubbish. Actor is good, like Jackie is good. Farooq Sheikh, yeah, being a last movie of the Farooq Sheikh, I was looking up to for that movie. Like when, the only one song is like you can just humble the song Suno Na Humne, but otherwise movie is rubbish. Like you, where it's going, and I think no, like it's a disaster. Sir, नया तो कुछ भी है ही नहीं. जो देश में हो रहा है, वही इस फिल्म के अंदर है. कहानी के नाम पे तो कुछ भी नहीं है टाइटल रखा है यंगिस्तान तो यंग के लिए तो कुछ मटेरियल है ही नहीं उसमें और फिल्म जो बनाई है वो ना यंग के लिए है ना बुढ़े बुढ़ियों के लिए आगे बोलिए क्या है नहीं भरोसा नहीं होता ना कितना यंग प्राइम मिनिस्टर बन सकता है नहीं 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 अरे यार देखिए फिल्म तो आप किसी को बना दो ना वो डायरेक्टर के ऊपर है वो स्पॉट बॉय को बना दे प्रधानमंत्री असली चुनाव हो इंडिया के अंदर देश के अंदर अभी जो चुनाव होने वाले हैं तब पता चलेगा कि यंग जो हमारे हैं राहुल गांधी जी वो बनेंगे या जो ओल्ड मैन है अपना नरेंद्र मोदी जी वो बनेंगे बाकी फिल्म में तो भैया हीरो है तो वो तो बनेगा ही फारूक शेख बहुत अच्छे लगे लड़की बहुत अच्छी लगी नेहा उसको देख के थोड़ा सा पैसा वसूल हुआ बाकी कहानी वहाँ बोरिंग है और सिर्फ मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा वासु जी के लिए कि क्यों वो अपने बेटे के दुश्मन बने हुए हैं जो इसके लिए ऐसी ऐसी कहानियाँ लेके आ रहे हैं जो सुपर फ्लॉप हो इसके पहले अंग्रेज उसके पहले फालतू और फालतू के पहले पता नहीं क्या अरे अच्छी पिक्चर लाओ अच्छी कहानी लाओ पब्लिक को मजा आए लोग देखें अभी 5% की ओपनिंग है इतने समय से पिक्चर बन रही है इतने समय से प्रमोशन हो रहा है रात दिन लगे हुए प्रमोशन 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 तो पब्लिक क्यों नहीं है मेरा ये कहना है 5% 0 फिल्म ओके अच्छी है ठीक है जैकी बगनानी ने काफी इम्प्रूव किया है जैकी बगनानी ने जिस तरह से फर्स्ट फिल्म के बाद आज तक जितना इम्प्रूव किया है आई होप कि आगे बहुत अच्छा काम करेंगे नहीं ये तो नहीं मानता हूँ मैं लेकिन ठीक है प्राइम मिनिस्टर की तो जो सोच है वो इस तरह की होनी चाहिए थ्री स्टार फिल्म बहुत अच्छी थी मैं उसे 5 में से 3 दूंगी म्यूजिक हार्ट टचिंग था और जेकी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि अभी तक उसकी जितनी फिल्में मैंने देखी हैं मैं फिल्में मिस नहीं करती जेकी जी ने बहुत ही अच्छा किया फारूक शेख जी तो सबको पता है ओके म्यूजिक हार्ट टचिंग है